हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज। आज हम इस वीडियो में ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण समय, अंतरिक्ष, सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, अपरमाणुविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में मुख्यतः तीन सिद्धांत हैं। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा सतत सृष्टि सिद्धांत और तीसरा दोलन सिद्धांत। पहले हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, जिसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई और यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटनाओं से परिभाषित होती हैं, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन एबे जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया है। ये एक रोमन कैथोलिक पादरी और एक वैज्ञानिक भी थे। इनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था। महाविस्फोट सिद्धांत दो मुख्य धारणाओं पर आधारित है, पहला भौतिक नियम और दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत। 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिगस ने महाविस्फोट के बाद एक सेकंड के अरबवें भाग में ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन सिद्धांत पर ही आधारित था और इसे बाद में हिगस बोसोन के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर से पर्दा उठाया, वहीं उसके स्वरूप को परिभाषित करने में भी मदद की। दूसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत। यह सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत का ही वैकल्पिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1920 में सर जेम्स जिन्स ने और फिर 1948 में हरमन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने संशोधित रूप में सामने रखा। इस सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत या समाप्ति नहीं होती है। ब्रह्मांड हमेशा विस्तार कर रहा है, लेकिन एक निरंतर औसत घनत्व बनाए रखता है। पदार्थ लगातार नए सितारों और आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए उसी दर पर बने जा रहे हैं और पुराने अपने बढ़ती दूरी और वेग के परिणाम के रूप में धीरे होते जा रहे हैं। और तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार और वैकल्पिक रूप से सिकुड़ना माना जाता है। वर्तमान में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार यह संभव है कि एक निश्चित समय पर ब्रह्मांड के विस्तार को गुरुत्वाकर्षण खींचकर रोक सकता है और यह फिर से सिकुड़ सकता है। यह निश्चित आकार में सिकुड़ने के बाद फिर से विस्फोट होता है और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो जाएगा। ब्रह्मांड का वैकल्पिक विस्तार और सिकुड़ना ब्रह्मांड को जन्म देता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेजा ने किया था। अब जानते हैं ब्रह्मांड में उपस्थित डार्क मैटर के बारे में। डार्क मैटर की विशेषता है कि अन्य पदार्थ अपने द्वारा उत्सर्जित विकिरण से पहचाने जा सकते हैं, किंतु डार्क मैटर अपने द्वारा उत्सर्जित विकिरण से पहचाने नहीं जा सकते। इनके अस्तित्व का अनुमान दृश्यमान पदार्थों पर इनके द्वारा आरोपित गुरुत्वीय प्रभावों से किया जा सकता है। डार्क मैटर के बारे में माना जाता है कि इस ब्रह्मांड का 85% डार्क मैटर का ही बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर न्यूट्रोलिनास नाम के पार्टिकल से बना है।
इसकी खासियत है कि यह साधारण मैटर से कोई क्रिया नहीं करता। हर सेकंड हमारे शरीर के आर पर हजारों न्यूट्रोलिनास गुजरते रहते हैं। वे अदृश्य हैं, इसी वजह से हम अंतरिक्ष में मौजूद डार्क मैटर के बादल के दूसरी और मौजूद आकाश गंगाओं को देख पाते हैं। तो ये थी ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।